राज्य भर में तेजी से जारी कोरोना प्रादुर्भाव थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा यवतमाल जिले के लिए जारी सूचना पत्र के अनुसार जीवनावश्यक चीजों की आपूर्ति का समय घटाकर सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक किया गया है। नतीजतन सोमवार को सड़कों और बाजारों से दोपहर 2 बजे के पहले ही ग्राहक, राहगीर, वाहन चालकों और आवाजाही करने वाले नागरिकों की भीड़ घटने लगी थी। ऐसे में प्रशासन का कड़ा रुख देखते हुए नागरिक भी पहले की तुलना में सतर्क नजर आ रहे हैं। जबकि अप्रैल माह में शुरू हुए माह रमजान के मद्देनजर शहर के मुस्लिम बंधुओं और फल विक्रेताओं ने प्रशासन से अपील करते हुए इफ्तार के लिए जरूरी खाद्य पदार्थों की खरीदी फरोख्त के लिए शाम को अतिरिक्त समय देने की गुजारिश की है। उनका कहना है कि फिलहाल बाजार को दोपहर 2 बजे बंद करने का आदेश जारी किए जाने से इफ्तार का सामान जुटाना मुश्किल हो रहा है। हमारा मुस्लिम समाज का एक रमजान महीना बहुत पवित्र महीना है। इसके अंदर हम भी चाहते हैं कि हम सोशल डिस्टेंस रखें, मगर योगी ठाकरे ने हमारे मुसलमान भाइयों को कुछ सहूलत देनी चाहिए ताकि हमें रमजान महीने का कुछ तो भी पालन, जैसे हमारा रमजान महीना इसलिए रहता है कि हमको जाना पड़ता है फ्रूट वगैरह ये वो, तो हमको कितना कुछ टाइम देने चाहिए रमजान महीने के हिसाब से ताकि हम बच्चों को अच्छे से अच्छा खिलाए। और हमारी ये मांग है कि भाई 2 बजे को टाइम दिए, इसमें हम भी सोशल डिस्टेंस रखते हुए हम सरकार को ये रखेंगे। इसी तरह फल विक्रेताओं का कहना है कि बढ़ते कोरोना प्रादुर्भाव के मद्देनजर बरती जा रही सख्ती जरूरी है, जिसको सहयोग देना जरूरी है, लेकिन माह रमजान में खजूर आदि ड्राई फ्रूट और फलों का इफ्तार में महत्व अधिक रहता है, जिसको देखते हुए शाम के समय सोशल डिस्टेंसिंग के तहत अनुमति दी जानी चाहिए। मैं एक फ्रूट व्यापारी और फ्रूट व्यापारी होने के हिसाब से मैं बोलना चाहता हूँ, प्रशासन ने जो समय रखा है 2 बजे के वक्त का, हम उसको पूरा सहयोग करते हैं, मगर जो इफ्तार वाले हैं, जो रोजे वाले हैं, उनको थोड़ा समय मिलना चाहिए फ्रूट वालों को हमको, ताकि प्रशासन का भी थोड़ा सहयोग हो और इनको भी कोई परेशानी ना जाए। कुल मिलाकर कोरोना के खिलाफ जारी जंग इस वक्त और ज्यादा पेचीदा होने से सरकार और प्रशासन द्वारा जारी लॉकडाउन की सख्ती में इजाफा हुआ है। ऐसे में जिलाधिकारी द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन वक्त की मांग है। वही जनता अगर प्रशासन को सहयोग देने पर कायम हो तो आगामी दिनों में प्रशासन की ओर से भी जनता के हक में जरूरी सहूलियत प्रदान की जाएगी, ऐसी उम्मीद है। देखना होगा कि माह रमजान के मद्देनजर समय और सहूलियत की मांग को लेकर आगामी दिनों में प्रशासन क्या रुख अपनाता है। दिग्रस से BCN न्यूज के लिए जुबेर खान की रिपोर्ट।